नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ बॉडी ऑफ मास सिक्स के जी अंडर अ फोर्स विच कॉसिज डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन बाय एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय फोर मीटर्स वेयर टी इज टाइम सवाल है वर्क डन बाय द फोर्स इन टू सेकेंड विल बी ऑप्शन है ट्वेल्व जूल नाइन जूल थ्री जूल या फिर सिक्स जूल ना थोड़ा सा समझने वाला सवाल है यहाँ पे अपने को दिया हुआ है एस की वैल्यू इज टी टू द पावर फोर बाय फोर ना इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम पे सो so, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम पे सो वी विल गेट डी एस बाय डी टी विल बी इक्वल टू सॉरी ये टी स्क्वायर है टी स्क्वायर बाय फोर तो ये बनेगा आपका टू टी डिवाइडेड बाय फोर यानी कि वैल्यू आ गई टी बाय टू तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन निकल सकती है पहली तो इक्वेशन हो गई डी एस विल बी इक्वल टू टी बाय टू डी टी ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई uh, दूसरा डी एस बाय डी टी को हम यहाँ पे वी कह सकते हैं विच एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं वी विल बी इक्वल टू डी एस बाय डी टी और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी टी बाय टू ना ये आपकी वेलोसिटी आई हमें पता है एक्सलेशन जो है वो होएगा डी वी बाय डी टी तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी वन बाय टू ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू हो गई ना ये बात अपने को पता है फोर्स विल बी इक्वल टू एम एम अपने को यहाँ दिया हुआ है सिक्स के जी सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू यानी कि फोर्स की वैल्यू हो गई आपकी थ्री अपने को अब ये चीज़ और पता है अपना जो वर्क डन है उसको हम लिखते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस ना एफ़ की वैल्यू तो हम यहाँ से लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू थ्री इंटीग्रेशन थ्री डी एस की वैल्यू यहाँ से आएगी दैट विल बी इक्वल टू इस इक्वेशन से मल्टीप्लाइड बाय टी बाय टू डी टी और टाइम जो है आपका ज़ीरो से टू जा रहा है सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी और लिमिट जीरो से टू नाउ टी डी टी का इंटीग्रेशन हमें पता है टी स्क्वायर बाय टू होता है सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर बाय टू और इसकी लिमिट आप रखेंगे जीरो से टू सो so, इसको जब रखेंगे वैल्यू तो ये वो बन गया थ्री बाय फोर मल्टीप्लाइड बाई टू से टू हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये आपका लिमिट जब आप रखेंगे तो दिस विल भी इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू बन जाएगी फोर सो दिस विल भी इक्वल टू थ्री बाय फोर मल्टीप्लाइड फोर यानी कि आपका वर्क डन जो आ गया दैट विल बी इक्वल टू थ्री जूल राइट इस केस में क्योंकि आपको एफ़ की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई थी डीएस की आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई थी इसलिए हमें थोड़ा सा लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो सवाल लंबा है पर मुश्किल नहीं है ठीक है सो थ्री जूल ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया